ओम साई राम। आज विश्व भर में शिरडी साई बाबा के मंदिरों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है, चाहे एशियन कंट्री हो, अरब कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दुनिया के तकरीबन हर देश में शिरडी साई बाबा के मंदिर या साइंस सेंटर का निर्माण हो चुका है। आज हम आपको यूरोप के पहले मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और वो देश है जर्मन, और जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर में वर्ष 2008 में यूरोप में सबसे पहला शिरडी साई बाबा मंदिर बना और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई, और देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां स्थापित बाबा की आंखें किसी यूरोपियन नागरिक की तरह नीली हैं, और उन नीली आंखों में ऐसी नूरानी चुंबक की शक्ति है कि यदि आप एक बार बाबा से आंखें मिला लें तो यकीनन आप नजरें हटा नहीं सकते। मूल रूप से फ्रैंकफर्ट के रहने वाले हरि साई, जो जर्मन के नागरिक हैं और 80 के दशक में बाबा से जुड़े, और वो साईं की फिलॉसफी, उनकी टीचिंग से इतना प्रभावित हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के होकर रह गए। हरि साई जी ने कहा कि वो अपना नाम भूल चुके हैं, उन्हें सिर्फ हरि साई याद है, जो नाम स्वयं बाबा ने उन्हें दिया। यूं तो वर्ष 1987 में बाबा का स्वरूप फ्रैंकफर्ट पहुंच चुका था और तभी से उस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही थी। करीब 26 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद 27 सितंबर 2008 को फ्रैंकफर्ट में विधिवत पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर स्थानीय विनायक टेंपल के ब्राह्मण और विद्वान बुद्धिस्ट को बुलाकर पूर्ण मंत्रोच्चारण हवन यज्ञ के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। तभी से शिरडी साई बाबा मंदिर फ्रैंकफर्ट में शिरडी की तर्ज पर सभी पर्व मनाए जाने लगे। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, महासमाधि दिवस, क्रिसमस, न्यू ईयर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। मंदिर गुरुवार और शनिवार को खुलता है। मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना के पश्चात 108 नामावली, महिषासुर मर्दानी स्तोत्रम, आत्मा शतकम, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के बाद बाबा को भोग लगाकर आरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। We welcome you all here in Frankfurt, in Germany, Europe. And you see here Baba with open eyes, how he lived in India. Before, you see, in India, they make the murtis with closed eyes because of the sun. Baba looked in the sun in this photo, and all the murtis are like this photo. But Baba had open eyes, how you see in this photo. Or here in this photo. And when Baba appeared to a German here in Frankfurt, he appeared how he lived until 1918 with open eyes. So you see the murti with open eyes. This murti is so alive, it even moves the head and it even moves the eyes. So now we welcome you all here in Europe with Baba to sing the Shesha Arati. Om Sai Ram. Thank you.
समुद्रदार नौका हिताभ्याम कुरु भक्तिताभ्याम वैराज साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम कवेद्ववाराशि निशागराभ्याम दौर्भाग्यदावा बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जिस साईं सेवक से बाबा ने यह मंदिर निर्माण की सेवा ली, उन्होंने अपना नाम और फोटो देने से इनकार कर दिया और बोले सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा का नाम और उनके चित्र को आगे रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 में वो पहली बार शिरडी आए थे। शिरडी पहुंचकर वो अपना नाम भूल गए और आज बाबा का दिया हुआ नाम हरि साईं ही उन्हें याद है। यूरोप का पहला शिरडी साईं बाबा मंदिर सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शनिवार को भक्तों के लिए खुलता है और दूर दूर से साईं भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा की करुणामय प्रेम भरी नीली आंखें देखकर भक्तगण सम्मोहित हो जाते हैं। गुरुवार को मंदिर में काफी संख्या में भक्तगण आते हैं और हरि साईं बाबा की लीलाओं और उनके उपदेशों को इंग्लिश और जर्मन भाषा में बताते हैं। मंदिर में बच्चों से श्री साईं सच्चरित्र का पारायण करवाया जाता है और भजन कीर्तन भी करते हैं। हरि साईं ने मंदिर के समीप ही बहुत सुंदर बाबा का बगीचा बनाया हुआ है। इस सुंदर फुलवारी से बाबा की पूजा माला श्रृंगार के लिए फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। मंदिर आने वाला प्रत्येक साईं भक्त हरि साईं की सादगी बाबा के प्रति उनका प्यार सेवा भाव देखकर प्रसन्न हो जाता है और हरि साईं भी मंदिर आने वाले भक्तों की सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स साईं लीला टाइम्स। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साईं बाबा से जुड़े रहने के लिए साईं लीला टाइम्स इंटरनेट एफएम रेडियो लॉगिन करें। ओम साईं राम।